Hello everyone. In today's session, we are going to discuss the points from the unit 2 and 3, that is umbrella activity, role of system analyst and effort distribution. These points are very important for short question and long question. Umbrella activities are generally asked for the two marks for the question. And even system analyst role and a working scenario of system analyst is also consist of 2 marks, where the effort distribution will ask for the 5 or 7 marks. So students, let's start with our first point, that is umbrella activities. What is umbrella activities? This is the name of one model, where there are different types of model we have seen, and we are going to see in the next session that some of the software engineers, or you can say authors, when they research and come up with new or you know, they research some models. And every model has some working scenario. Say for example, if you follow this particular model, then the outcome will fixed. You will get this particular outcome and you will get this type of qualitative outcome. Yes. So in a same way, in future we'll discuss about waterfall model, prototype model, incremental model. Okay. Then after agile model. So these are the models were founded by the different authors, and they just give the assign this name by waterfall model. That doesn't mean ki it something related to waterfall, some waterfall from mountain and all. So this just given the name by the author, where in the same way this is what the umbrella activity. What are the umbrella activity? Umbrella activity is just describe the steps what we already discussed in a generic view of a software engineering. Yes, हमने software engineering में देखा था कि अलग-अलग phases देखे थे, definition phase देखा था, development phase देखा था, support phase देखा था, support phase के अंदर अलग-अलग activity देखी थी. तो ये एक systematic approach था, right? So इसको कन्वर्ट किया हमने, ये स्टेप्स को शॉर्ट टर्म में हमने डिस्कस किया कि अम्ब्रेला एक्टिविटी. बट ये जो अम्ब्रेला एक्टिविटी है, दैट इज रिलेटेड टू द जेनरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, वो उसके जैसा ही है. तो उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी है, चलो वो हम देखते हैं. ये स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए. हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप ही होता है. और उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है मैं आपको बताता हूँ. बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस अम्ब्रेला एक्टिविटी, स्टूडेंट्स हमें एक चीज याद रखनी है. मैं बार बार आपको यही चीज बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए. ओके, वो अंडर बजट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए. ओके, एंड ये जो है एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिकल सॉफ्टवेयर का एक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, तो एक अच्छा और क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी अम्ब्रेला एक्टिविटी के थ्रू हमें मिलता है वो हम देखते हैं. चलो फास्ट ध्यान से सुनिए, हो सके तो नोट डाउन भी कीजिएगा. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल. आपका सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द कोडिंग फेज, उसका ट्रैकिंग करना जरूरी है. ट्रैकिंग से क्या होगा, टाइमलाइन पता चलेगा आपका. ठीक है, टाइमलाइन से आगे है या लैग बिहाइंड है. ठीक है, एंड कंट्रोल, अगर लैग बिहाइंड है तो हाउ टू कंट्रोल दैट, यू हैव टू प्लानिंग. ओके, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू. फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू मींस व्हाट, द स्पेसिफाइड नीड्स, स्पेसिफाइड क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, फंक्शनलिटी उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, या तो फिर अगर चल रहे हैं तो क्लाइंट की नीड को क्लाइंट के साथ कंफर्म करना जरूरी है यूजिंग द रिव्यू. रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हैं या कुछ बनाना कुछ और है, बना कुछ और रहे हैं, तो ये रिव्यू के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं. नहीं तो एट द एंड ऑफ सबमिशन
यू विल यू नो फेस द प्रॉब्लम कि भाई फंक्शनैलिटी गलत इंप्लीमेंट कर दिया है. ओके, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस इज द मेन फैक्टर. अगर आप अमरेला एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हो, उसकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्वालिटी क्वालिटी एश्योरेंस टू योर क्लाइंट. ओके, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑल द नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन लाइक अ पाथ सेट, इमेज सेट. ओके, वेयर टू स्टोर द डेटा, वेयर टू अलाउ द डेटा. ओके, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर्स, हाउ टू अलाउ द इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन है दैट यू हैव टू कीप एनीवेयर एल्स. ओके, इन फ्यूचर व्हेनेवर सम चेंज अकर, so using this configuration management you can get all the details. document preparation and production. documentation का importance मैंने पहले ही बताया था कि एक systematic approach से जब आप software development करोगे तो हर एक वो चीज जो है वो documentation के अंदर available होना चाहिए. ठीक है, तो document management के अंदर उसका किस तरह से preparation होता है, किस तरह से production करना है, we'll definitely discuss in the last unit. एक पूरा यूनिट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बेस पे है, विल डेफिनेटली डिस्कस इन लास्ट. रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. कोई हमारे पास पास्ट प्रोजेक्ट का कोई कंपोनेंट है, कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है. ओके, वो फंक्शनैलिटी अगर सेम ये प्रोजेक्ट के अंदर है तो आप उसे यूज करोगे. वापस रिकोड करने का मतलब नहीं है, सी वी आर नॉट बिलीव इन लेबर वर्क. ओके, तो वही सेम कंपोनेंट या फंक्शन जब हम नए प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम रीयूजेबिलिटी. ओके, मेजरमेंट. मेजरमेंट मीन्स वॉट? मेजरमेंट इज यू जस्ट मेजर द लाइन ऑफ कोड. ओके, द रिसोर्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड, द इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव यूज्ड, द एक्स्ट्रा कॉस्ट यू हैव इम्प्लीमेंटेड, एनहेंसमेंट इन योर प्रोजेक्ट, एड ऑन इन योर प्रोजेक्ट. तो ये सब कुछ क्या है, मेजरमेंट है, एक्स्ट्रा एड ऑन्स. एंड लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट मीन्स वॉट? वेन यू डेवलप द प्रोजेक्ट वॉट आर द चांसेस चांसेस ऑफ एरर अकर्स. ओके, इन विच सर्कमस्टेंसेस और इन विच सिचुएशन अराइज वेन फॉल्ट और डिफेक्ट मे अराइज इन योर सिस्टम. एंड बेसिस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट वी कैन एवॉइड इट फॉर पुट सम एक्सेप्शंस. हम एक्सेप्शंस के थ्रू ये रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड कर सकते हैं. ओके, चल आगे चलते हैं. रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी कंपनीज के अंदर, यू मस्ट हैव द सफिशियंट नॉलेज अबाउट कि कौन क्या करता है. प्रोजेक्ट लीडर क्या करता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, टेस्टर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है. ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट क्या करता है, प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए. तभी पता चलेगा कि एनालिसिस में कौन एनालिसिस करता है, तो भाई एनालिस्ट. ओके, चलो लेट्स फोकस ऑन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एनालिस्ट की. तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड एवेल्यूएट द एग्जिस्टिंग और प्रपोज सिस्टम. क्या करता है वो, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है. कौन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो भाई नीड जो है क्लाइंट के पास से नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके रिक्वायरमेंट या नीड क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता जाएगा, कलेक्ट करता जाएगा और डॉक्यूमेंट में लिखता जाएगा, लिखता जाएगा. ठीक है, फिर उसको एवेल्यूट करेगा कि भाई ये वायबल है कि नहीं, क्योंकि क्लाइंट को क्या होता है, वो तो उसको सब कुछ चाहिए, उसको कुछ अमाउंट ऑफ मनी के अंदर वो सब कुछ एक्सपेक्ट करता है सिस्टम के अंदर. ठीक है, दैट डजंट मीन कि सब कुछ हम उसे करके दे दें. कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जो पॉसिबल नहीं है, तो जो चीज पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, एवोल्यूट करेगा. ठीक है, चलो. रिसर्च प्लान, इंस्टॉल, कॉन्फिगरेशन, ट्रबल शूट, मेंटेन एंड अपग्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम. After getting the information, after getting the needs of client, उसके ऊपर वो research करेगा, उसी के ऊपर वो planning करेगा, उसी के अंदर installation क्या क्या required है, क्या क्या चीज हमें install करना पड़ेगा उसका planning करेगा, क्या configuration लगेगा वो plan करेगा, क्या क्या troubleshoot आ सकता है,
किस तरह से मेंटेन करना है और कब और कैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेडेशन करना है कि नहीं, वो यहाँ पे वो डिसाइड करेगा। देन आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई फंक्शनलिटी क्या होगी, किस तरह से हमारा सिस्टम परफॉर्म करेगा और उसका बिहेवियर क्या रहेगा। बिहेवियर में एक चीज़ हमें याद रखना है कि यूजर वाइज हमारा सिस्टम बिहेव करेगा। एडमिन है तो भाई फुल राइट्स है तो उस हिसाब से बिहेवियर, मॉडरेटर है तो एडमिन से कुछ कम राइट्स होगा उस हिसाब से उसका बिहेवियर, और अगर ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड यूजर है तो बहुत कम राइट्स प्रोवाइड करेगा तो उस हिसाब से बिहेव करेगा। ठीक है, तो वो सब डिसाइड करेगा कौन, एनालिस्ट। वर्क एज टीम मेंबर विथ अदर टेक्निकल स्टाफ, ठीक है, सच एज नेटवर्किंग टू एंश्योर द कनेक्टिविटी कॉम्पेबिलिटी बिटवीन द सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा कि ये अब सपोज नेटवर्किंग वाला है तो नेटवर्किंग वाले के साथ क्या डिसाइड करेगा कि भाई कनेक्टिव ये जो थ्रू आउट द कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करो। ठीक है, अगर कोई रिसोर्स प्रोवाइडर है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूछेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है तो हमारे पास सफिशियंट रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट कौन करेगा, एनालिस्ट करेगा। राइट एंड मेंटेन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, राइट एंड मेंटेन। अब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरुआत से एंड तक ये एनालिस्ट ही मेंटेन करेगा। ये एनालिस्ट जब तक प्रोजेक्ट नहीं खत्म होगा तब तक वो सारी चीज जो है वो मैनेज करेगा। वो कहाँ से शुरुआत करेगा वो समझिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब दिस इज व्हाट अ करेक्ट टाइम टू अंडरस्टैंड हु विल राइट द डॉक्यूमेंटेशन एंड हु विल मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये पता होना चाहिए, कोई प्रोग्रामर या डेवलपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करेगा, वो डेवलप करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन लिखेगा। हाँ, तो ये एक चीज हमें समझना है। शुरुआत से जब नेगोशिएट हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट का डेफिनेशन क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी कंपनी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, किस तरह से आपने एग्रीमेंट बनाया है, किस तरह से आपने नेगोशिएशन किया है, क्या क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, ठीक है, जो एनालिसिस रिपोर्ट है रिक्वायरमेंट के ऊपर से वो भी उसके अंदर लगाएगा। एंड धीरे धीरे डिजाइन के रिलेटेड इश्यू, ओके, डेवलपमेंट के रिलेटेड इश्यू, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो डालता जाएगा। फिर आगे जाके क्या डेटाबेस होगा, ओके, कितने सारे टेबल्स होंगे, देन उसके बाद क्या क्या रिपोर्ट्स होंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा एडऑन्स हुए हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंटेन होता जाएगा। तो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस। एक चीज और भी समझ लो कि डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं कि चलो एक आपने वर्ड ओपन करके लिखना चालू कर दिया, उसके अंदर एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, उसका स्पेसिफिक इंडेक्स होता है, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके सब के अंदर पॉइंट के अंदर क्या आएगा, ठीक है, इंटरफेस का स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, आपने कहाँ से क्या रिफर किया है वो होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडक्ट टेक्निकल रिसर्च ऑन सिस्टम अपग्रेड्स टू डिटरमाइन फिजिबिलिटी कॉस्ट टाइम रिक्वायर्ड एंड कॉम्पेटिबिलिटी विद द करंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निकल रिसर्च करेगा, एक टेक्निकल रिसर्च करेगा और वो भी वो अकेला डिसीजन नहीं लेगा, सबको साथ में लेके ये डिसाइड होता है कि सिस्टम एनालिस्ट विल सिट टुगेदर विद द प्रोजेक्ट लीडर, ओके, विद द सीनियर डेवलपर, ओके, एंड विद द टेस्टर कि एंड एट दैट टाइम दे विल डिस्कस सिट टुगेदर एंड डिस्कस कि भाई ये जो रिक्वायरमेंट आई है वो फिजिबल है कि नहीं, मतलब वायबल है कि नहीं, और उसका कॉस्ट व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट सिर्फ एनालिस्ट सिर्फ डिसाइड नहीं करेगा, कॉस्ट फैक्टर इज डिपेंड अप टू द लाइन ऑफ कोड, जो डेवलपर कितना लाइन ऑफ कोड करेगा अप्रोक्सीमेटली, ओके, वो फैक्टर इफेक्ट करेगा, कितना टाइम रिक्वायर्ड। देखो अभी टाइम है ना किस तरह से होता है मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग का कितना टाइम लगेगा, तो भाई एक वीक लगा,
एनालिसिस करने में कितना दिन लगा, तो क्या 4 दिन लगेगा। देन सिस्टम का टेम्पलेट डिजाइन कितने दिन लगेगा, तो भाई वो दिन लगेगा 1 वीक लगेगा। डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, तो भाई 3 वीक लगेगा। टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, 1 वीक लगेगा। फिर वापस रीवर्क अगर आया तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो 4 दिन लगेगा। इंस्टॉलेशन एट क्लाइंट प्लेस उतना कितना दिन लगेगा, तो 3 दिन लगेगा। जो क्लाइंट को ट्रेनिंग यानी कि यूजर का ट्रेनिंग देना है उसको कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। अब आप ये सब कुछ को जोड़ लोगे ना, वापस आप थोड़ा बैक करके वापस से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। वापस आप अगर लिखोगे, आप लिखिएगा ये चीज, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। देखो बहुत, एक एज अ डेवलपर और एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये आपको बहुत यूजफुल है। कोई किसी कोई कॉलेज में ये नहीं समझाएगा प्रैक्टिकल। हम जब सॉफ्टवेयर, मैं भी जब सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो ये सारे फैक्टर्स जो है मैं इसके अंदर इंप्लीमेंट करके, फिर कॉस्ट, ऐसा नहीं कि चलो मन में आया तो 10,000 15,000 20,000 बोल दिया और इतना टाइम लगेगा बोल दिया, नहीं, ये सब कुछ इफेक्ट करता है। तो आप वापस बैक बैक करके, ठीक है, रिवर्स करके आप वापस से सुनिएगा, और पूरा कितना कितना मैं जो मैंने टाइम बोला हूँ वो आप लिख दीजिएगा, उसका टोटल कीजिएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि कितना टाइम, ये टाइम लाइन बोलते हैं, और ये सब कुछ मेंशन कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट, ताकि जब काम चालू हो तो सिस्टम एनालिस्ट विल टॉर्चर यू कि भाई आप इतना लैग बिहाइंड हो, इतने दिन लैग बिहाइंड हो, सो प्लीज कवर अप यूजिंग स्पेंड सम मोर टाइम। ओके, सी दिस इज ओनली द सॉल्यूशन टू जस्ट रिकवर द लैग बिहाइंड ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अगर ये दो क्वेश्चंस, एक अम्ब्रेला एक्टिविटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालिस्ट, अगर एग्जाम में आता है तो ब्लाइंडली आप अच्छे से अच्छा लिख पाओगे। यस, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वापस मिलेंगे विथ द हम जो क्या करने वाले हैं, एफर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।